हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, साइंस बुक ग्रेड 10 सीबीएसई से। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम दो टाइप्स में आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं एग्जॉस्टिबल, दूसरे होते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली एक तरीका है जिससे कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको आने वाली कई जनरेशन तक के लिए रोका जा सके, ताकि वो जो जनरेशन हैं वो भी इनको इस्तेमाल कर सके। और जो नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेनेंस उनका तब करा जा सकता है जब उनको ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने दें या उनको जो है ज्यादा स्पॉइल ना करें। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं? तो एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। बर्निंग जो होती है फॉसिल फ्यूल्स की, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एक्सेस अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कुछ पॉल्यूटिंग गैसेस हैं जैसे कि ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के या सल्फर, इनकी वजह से एसिड रेन हो जाती है जो कि लिविंग बींग्स के लिए काफी हार्मफुल है। ये जो एसिड रेन है ये हार्मफुल होती है मॉन्यूमेंट्स के लिए भी और बिल्डिंग्स के लिए भी। इसी तरह से अगर एक्सेस में एक्सप्लॉयटेशन होता है ग्राउंड वाटर का, तो उससे क्या होता है जो वाटर टेबल है वो काफी गिर जाती है। यही वजह है कि बहुत सारी जो प्लेसेस हैं वहां पर काफी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है पीने के पानी की। ओवर यूज जो होता है इंसेक्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का, इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है और सॉइल इरोजन होता है। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन होता है कई रिवर्स में, लेक्स में और यहाँ तक कि ओशियंस में भी। जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है चारों तरफ, ताकि हमारा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। पर डेवलपमेंट के साथ क्या होता है एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि हम कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस करें जिससे हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज से बचा सके। इसके लिए जरूरी है कि जो अर्थ है उसे एक अच्छी शेप में मेंटेन करें, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो भी इस नेचर को अच्छे से इंजॉय कर सके। 3 R's होते हैं, यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अब रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। हम जो कंजम्पशन है बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज का, जहां तक हो सके पॉसिबल उसकी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसे हम कम कर सकते हैं अगर हम लाइट्स या जो अप्लायंसेस जब वो जरूरी नहीं है, यूज नहीं हो रहे हैं, तो हम लाइट स्विच ऑफ कर दें। या जब घर से हम निकलते हैं तो हमेशा अपने फैन या लाइट्स को चेक करके चलें और उनको बंद कर दें। इससे क्या होगा, खाली इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बचेगी बल्कि आप उन फ्यूल्स को भी जो है बचा रहे हो जो इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई टैप लीक कर रहा है तो फौरन हमें रिपेयर कराना चाहिए, ताकि ये जो हमारा प्रेशियस वाटर है इसे बचाया जा सके। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं बार बार। रिसाइकल जो है ये भी एक और तरीका है जिसकी वजह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे पेपर को रिसाइकल कर लें, उससे क्या होगा जो डिमांड है वुड की वो कम होगी और उससे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिसाइकल। अब आता है तीसरा रीयूज। बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनको कई बार रीयूज किया जा सकता है। जैसे जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनको हम पैकिंग के लिए कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने एनवेलप्स को जो है हम रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं जब भी हम होमवर्क कर रहे हों। पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स जो है उनको भी कई अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। जो कंजर्वेशन होता है फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का वो बहुत जरूरी है, ताकि हम जो बायोडायवर्सिटी है उसे बचा सके। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा तो उससे इकोलॉजिकल इम्बेलेंस होगा। पर कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए, हमेशा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन जंगलों से अफेक्टेड होते हैं। जो लोग जैसे कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो कई सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं अपनी जीविका के लिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ओनर होता है फॉरेस्ट लैंड का।
बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे ताकि रॉ मटेरियल्स उनको वहां से मिल सके। जैसे कि जो बीड़ी इंडस्ट्री है उसे केंदु लीव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल के लिए। वुड रॉ मटेरियल के इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। वाइल्ड लाइफ और नेचर जो है वो एक तरह से एंथुजियास्ट हैं। एंथुजियास्ट का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे वो वाइल्ड लाइफ और नेचर ही है। जब कॉलोनियल रूल की शुरुआत नहीं हुई थी इंडिया में तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो फ्री थे कि वो जो है आसानी से इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते थे फॉरेस्ट से जब उनकी मर्जी होती थी। पर चीजें बदल गई जब ब्रिटिश रूल आया और उन्होंने जो है कंट्रोल ले लिया अपने हाथ पे फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी एक्सेस को फॉरेस्ट रिसोर्सेज तक के लिए। इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई काफी लोगों के लिए जो ट्रेडिशनली डिपेंड हो रहे थे फॉरेस्ट पे अपने सर्वाइवल के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा और ये माना कि इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हम काफी समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। फॉरेस्ट को काटा जा सकता है या काटा जा रहा था रेलवेज बनाने के लिए या और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। ये जो क्लियर्ड फॉरेस्ट था अब इसमें जो है यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाने लग गए जिससे कि एक मोनोकल्चर की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक ही स्पीशीज को बार बार ग्रो करेंगे या लगातार उसी को ही ग्रो उगाएंगे तो उसे हम मोनोकल्चर कहते हैं। इससे क्या होता है, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वॉल्व होना कंजर्वेशन एफर्ट में। जो बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की वो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अमृता देवी बिश्नोई जो हैं उनको आज भी याद किया जाता है जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि खेजरी ट्रीज जो हैं उनको बचाया जा सके खेजराली विलेज में। वो और उनके साथ साथ लगभग 363 और लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इन खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए 1731 में। तो जो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ये उन्हीं के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए रखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है नोमैडिक हर्डर्स का जो कि हिमालयास के होते हैं। ये जो नोमैडिक हर्डर्स हैं ये ज्यादातर अपने जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहां तक आते हैं। हर समर में जो नोमैडिक लोग होते हैं वो अपने हर्ड को जो है वैली में लेके आते हैं ताकि जो शीप हैं वो आसानी से काफी सारी घास खा सकें। पर जब ये जो नेशनल पार्क है उस एरिया में बनाया गया तो जो नोमैडिक हर्डर्स थे उनको रोक दिया गया कि वो अब अपने शीप को लेके यहाँ इस प्रोटेक्टेड एरिया में ना आए। अब क्या हुआ, जब ये जो शीप हैं ये ग्रेजिंग नहीं कर रही थी तो उसकी एब्सेंस में क्या हुआ, जो घास थी वो बहुत लंबी लंबी उगने लग गई। अब जो लंबी घास होती है वो नीचे गिरे या वो लहरा रही है उसकी वजह से जो फ्रेश ग्रास है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उससे मतलब क्या समझ में आया कि अगर आप हटा दोगे या बिल्कुल खत्म कर दोगे लोकल लोग जो हैं उनको फॉरेस्ट से तो जो प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1980s में एक छोटे से गांव रेनी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो लेडीज थी गाँव की उन्होंने ट्री को जो है हग करना शुरू कर दिया ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पेड़ों को ना काट सकें। ये जो चिपको मूवमेंट है ये फिर और भी बाकी पार्ट्स में इंडिया के फैल गया था बाद में और काफी इंस्ट्रूमेंटल माना जाता है। इसी की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन था वो बहुत ज्यादा कम हुआ। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है अराबरी एग्जाम्पल जो है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ था फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। 1972 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी जब वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था ये जो डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट थे अराबरी फॉरेस्ट रेंज में। अराबरी फॉरेस्ट जो है वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के। तो जो पहले के मेथड से पॉलिसी या सर्वेलेंस के वो पूरी तरह से फेल हो गए थे और उससे क्या हो रहा था, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी जो है काफी क्लैशेस या लड़ाइयाँ हो रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम था इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वहां से चले गए थे, यानी जैसे एलियनेशन होने लग गया था। उसके बाद एक फॉरेस्ट ऑफिसर आए, उनका नाम था एके बैनर्जी, जो एक सही मायने में विजनरी थी। उन्होंने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया और लगभग 1272 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है उसको रिवाइव किया। विलेजर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लग गया सिल्वीकल्चर में और हार्वेस्ट में और यहाँ तक कि उनको 25% हार्वेस्ट का भी दिया जाने लगा। इससे
उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी फायरवुड या फॉडर जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं एक छोटा सा पेमेंट देके। अब क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गई, तो जो अरावाली साल्ट फॉरेस्ट था उसका बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ। 1983 तक आते आते जो इस फॉरेस्ट की वैल्यू थी वो लगभग 12.5 करोड़ हो गई थी। अब आता है मैनेजमेंट वाटर और कोल रिसोर्सेज का। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। वाटर जो है एक बहुत असेंशियल फॉर्म है लाइफ का। इसका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, कुकिंग में और बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज में। ज़्यादातर जो है डिपेंडेंसी होती है रेनफॉल पे वाटर के लिए। अब ये जो रेनफॉल पैटर्न है इंडिया में ये डिफर करता है अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स के अनुसार। ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है बजाय डेजर्ट रीजन्स के। ये जो पैसेज होता है वाटर का वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में और फिर दोबारा अर्थ पे, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। इस वाटर साइकिल के दौरान जो वाटर है एक्वेटिक बॉडी से वो एवेपोरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर में और फिर सनलाइट की वजह से और फिर जाके क्लाउड्स में जम जाता है। अब क्योंकि एयर करेंट्स होते हैं इस वजह से जो क्लाउड्स हैं वो रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर बॉडीज जो हैं फिर दोबारा ग्राउंड पे आ जाती हैं। लगभग 97.5% पानी जो है वो ओशंस में सॉल्टी है। 1.75% फ्रेश वाटर जो है वो फ्रोजन रहता है ग्लेशियर्स में और या पोलर आइस कैप्स में। सिर्फ 0.75% जो है पानी वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। जो एडवांटेजेस हैं ग्राउंड वाटर की ये हैं कि वो इवेपोरेट नहीं होता, वो वेल्स को रिचार्ज करता है और काफी हद तक कोशिश करी जाती है कि जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है उसके द्वारा कंटेमिनेटेड ना किया जा सके। डैम्स क्या है? वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि डिवाइड किया जा सके और रिटेन किया जा सके रिवर वाटर को पर्टिकुलर एरिया में। कुछ फेमस डैम्स जो इंडिया में हैं वो भाखड़ा रागल डैम है, सरदार सरोवर डैम है और टिहरी डैम है। डैम से जो पानी मिलता है उसका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। डैम्स जो हैं काफ़ी हद तक पानी सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिटीज़ में। अब ये जो वाटर है डैम से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैनाल सिस्टम्स के थ्रू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है स्टोर्ड वाटर को बहुत आगे आगे डिस्टेंसेस तक। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है इंडिया में और जो कि राजस्थान को वाटर प्रोवाइड करता है। सबसे बड़े जो डिसएडवांटेजेस हैं डैम के वो ये हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन होता है, उसकी वजह से सेडिमेंटेशन होता है, रिवर बेड्स का इरोजन हो जाता है और यहाँ तक कि जो प्लांट और एनिमल लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। फिर आता है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रेटेड मल्टी रिसोर्स मैनेजमेंट है लैंड और वाटर का। इसका मेन एम जो है वाटर कंजर्वेशन है ताकि बायोमास प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया का। इस टेक्निक में क्या होता है ये बेसिकली इसका जो वाटर हार्वेस्टिंग रखा गया है या इनकी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, पर जो उनका इस्तेमाल है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे खादिन्स और नादीज जो है वो राजस्थान में हैं, भंडारास और ताल्स जो है महाराष्ट्र में हैं, बंदीज मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है, जबकि आहार्स और पाइन्स बिहार में है और एरिस तमिलनाडु में, कुल हिमाचल प्रदेश में, कट्टास केरला में, ट्रेंचेस कर्नाटका में, जिसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक रिचार्ज हो पाते हैं। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है हमारी लाइफ की कई एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के। कोल जो है वो लाखों साल पहले बना था एक रिजल्ट की वजह से बना था। क्या था वो रिजल्ट? कि जो हीट और प्रेशर है उसका जो एक्शन होता है डिकेइंग में या बरीड प्लांट्स में जो स्वैम्पी एरियाज में होते हैं अर्थ के, उससे कोल बनता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि अर्थ के नीचे होता रहता है। कोल की जो है यूज या कोल का मदद मिलती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। 37% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से ही प्रोड्यूस करी जाती है। कोल जो है नॉन रिन्यूएबल है पर चीपर रिसोर्स है बाकी और फ्यूल्स के मुकाबले जैसे पेट्रोलियम और गैस। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल्स का कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कंबशन पे। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है।
कुछ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कि विंड, सोलर, थर्मल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सब वेरी वायलेबल ऑप्शंस हैं क्योंकि ये जो है ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन को तभी किया जा सकता है जब हम रिसाइकिल करें, रीयूज करें प्लास्टिक बैग्स को, लाइट्स को स्विच ऑफ करें या फिर CFL बल्ब्स का इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी समरी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।